हम लोगों ने देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये देखा था हमने। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनमें सिंपल इफ स्टेटमेंट हमने देखा था। अब ये सब स्टेटमेंट्स, सिंपल इफ स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब देखा जब हमने, तो अब हमने उनके प्रोग्राम्स भी किए, ठीक है। दो प्रोग्राम किए हमने, एक पॉजिटिव नंबर का, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर फाइंड करने के लिए, और एक हमने क्या किया, नंबर इवन है या ऑड है ये फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ये सब? ओके, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमने क्लास लिखा, उस क्लास को नाम दिया, एक मेथड लिखी, उस मेथड को नाम दिया। तो ये जो नाम है, एक वेरिएबल लिया हमने, तो वेरिएबल को एक पर्टिकुलर नाम दिया। तो ये जो नाम देने का जो तरीका है वो किस तरीके से हम लोग देते हैं उसे। तो जावा में अगर पर्टिकुलर किसी क्लास को, इंटरफेस को, वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं तो उसका एक प्रॉपर वे है, उसे कहते हैं जावा नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। आज हम इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जावा में नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है कि ये रूल की तरह होते हैं, ये रूल नहीं होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि आपका नाम जो है, सॉरी, आपका जो आइडेंटिफायर है, जो कि क्लास है, पैकेज है, वेरिएबल है, वो किस तरीके से उसका नाम रहेगा। ये जावा फोर्सफुली इसे फॉलो करने को नहीं कहता, ये एक सजेशन की तरह है, ठीक है। ये एक हमारे कन्वेंशन की तरह है कि अगर हम इसे कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं तो हम प्रॉपर वे से हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्सफुली नहीं है, अगर हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं करते तो हमें कोई प्रॉपर हमें कोई एरर नहीं आएगा। अब ये जो नेमिंग कन्वेंशंस है, ये सन माइक्रोसिस्टम द्वारा या नेटस्केप कंपनी द्वारा सजेस्ट किए हुए नेमिंग कन्वेंशंस है कि आप अगर इस तरीके से कोडिंग करेंगे तो ये जावा में तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक। जितने भी सारे हमारे पास तो क्लास, एरर नहीं शो करेगा, एरर शो एरर शो नहीं करेगा। हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे कि अगर हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं और फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जितने भी हमारे पास क्लासेस है, इंटरफेस है, पैकेजेस है, मेथड्स है या वेरिएबल्स है, इन सबको जावा प्रोग्रामिंग में एक क्या कहते हैं, फिक्स नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है इसके लिए, ठीक है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका कोड कन्फ्यू आपको आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाए या फिर आपके कोड में एरर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एरर आएगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है इसका, आपका कोड जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है पढ़ने के लिए, आपके खुद के लिए भी और दूसरे प्रोग्रामर के लिए भी। मतलब आपने एक कोड लिखा, मान लीजिए कि प्रशांत जी ने कोड लिखा है और वो कोड प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ है, तो जब रितिका जी उसे पढ़ेंगी तो उनको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस प्रकार का कोड है, यहाँ पर मेथड कौन सी है, वेरिएबल कौन सा है, क्लास कौन सा है, कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल किया है, किस पैकेज में है। तो ये सारा अगर वो नेमिंग कन्वेंशन के साथ कोड लिखते हैं तो दूसरे प्रोग्रामर को भी ये समझने में आसानी होती है। और क्योंकि क्या है, रीडेबिलिटी जो होती है जावा प्रोग्राम की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो क्लास के लिए नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है।
क्लास को जब हम लिखते हैं तो क्लास का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो अपर केस में होना चाहिए, अगर प्रॉपर वे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि ये इसका नाम मतलब ये नाउन हो सकता है, क्लास का जो नाम है वो एक नाउन की तरह हो सकता है, जैसे कि कलर हुआ, बटन हुआ, सिस्टम हुआ, थ्रेड हुआ। यहाँ पे हम एग्जांपल देखिए इसके कि हमने एक एम्प्लॉय लिया है, तो एम्प्लॉय क्या है, एक नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, यस और जो क्लास का नाम होता है वो हमेशा एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको कोई एक्रोनिम्स नहीं होने चाहिए, ये प्रोग्रामर की सहूलियत के लिए है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये प्रोग्रामर जो होता है ये कोड रीडेबिलिटी के लिए है। अगर हम इसे एक्स वाई जेड लिखेंगे क्लास को तो भी ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये बाद में हमें समझने में फिर समस्या होगी कि एक्स वाई जेड क्लास क्या काम करता है। इंटरफेस, अब इंटरफेस के बारे में आप इतना अभी हमने देखा नहीं है इंटरफेस, लेकिन हम इतना ही जान लेते हैं इंटरफेस के बारे में कि जैसे क्लासेस होते हैं वैसे ही इंटरफेस होते हैं। और हमने देखा है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। हमने जो इनहेरिटेंस की मैंने आपको सी प्लस प्लस में बताया था कि इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस 5 तरीके के होते हैं, लेकिन यस सर जावा में इनहेरिटेंस सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, अगर सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है फोर्सफुली तो इंटरफेस के ज़रिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल कर सकते हैं। तो यस सर इंटरफेसेस क्या होते हैं, तो इंटरफेस भी एक प्रकार के क्लास ही होते हैं। तो जैसे कि क्लास को जो नियम लागू होते हैं नेमिंग कन्वेंशंस के, वो यहाँ पे भी लागू होते हैं। इनका जो पहला लेटर है स्टार्टिंग लेटर वो भी अपर केस में होना चाहिए। ये एडजेक्टिव की तरह होते हैं कि जैसे रनेबल हुआ, रिमोट हुआ, एक्शन लिसनर हुआ, इनको भी प्रॉपर वर्ड से लिखा जाता है, जैसे कि कोई एक्रोनिम नहीं लिखेंगे इसमें। अब जैसे कि हमने लिखा इंटरफेस प्रिंटेबल, तो अगर हम इसके अंदर कोड लिखते हैं तो जितना सारा कोड है वो क्या हो रहेगा, हमारा प्रिंटेबल रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर का कोड प्रिंटेबल है, नाम से ही पता चल जाएगा। फिर आते हैं मेथड्स पर, यस मेथड्स पर आते हैं। मेथड क्या होते हैं, जो सी प्लस प्लस में हम लोग फंक्शंस देखते थे सी सी प्लस प्लस में, तो जावा में उन फंक्शंस को ही ऐसे मेथड्स कहा जाता है। ठीक, तो ये जो मेथड्स होती हैं, इन मेथड्स की शुरुआती जो लेटर्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। देखिए, क्लासेस और इंटरफेस के शुरुआती जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं वो अपर केस में होते हैं, मेथड्स के जो स्टार्टिंग लेटर है वो लोअर केस में रहेगा। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मेन मेथड था, प्रिंट हमने मेथड देखा, प्रिंट एलन मेथड देखा है हमने। ठीक है, प्रिंट एलन मेथड जो हम सिस्टम पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। तो ऐसे मेथड्स देखिए, स्टार्टिंग लेटर जो है वो क्या है, पी पी एम स्मॉल लेटर्स में है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्लास है, यहाँ तो क्लास एम्प्लॉय ई कैपिटल लिखा है हमने यहाँ पर, क्लास के बाद जो नाम है क्लास का वो क्लास नेम स्टार्टिंग विथ अपर केस लेटर ई कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, फिर ये एक हमारे पास मेथड है, उस मेथड को हमने लिखा ड्रॉ नाम की, एक मेथड है हमारे पास। तो वो मेथड कैसी है, हमने लिखा है कि ये लोअर केस में स्टार्ट हुआ। ठीक, तो इस तरीके से मेथड के नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ मेथड का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, या 2 वर्ड से मिल के बनता है बन रहा है, ऐसा कुछ नाम है। अब जैसे कि ड्रॉ रेक्टेंगल, अगर ये हमारे पास या फिर हम लोग लेते हैं कहाँ गया, ड्रॉ, तो ये मेथड हो गई ड्रॉ। तो अगर हम कहते हैं कि इसे ड्रॉ रेक्टेंगल, तो जो
पहला, अब ये ड्रॉ और रेक्टेंगल ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, हम लोग इसे मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, तो जो आर रहेगा रेक्टेंगल का वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। ड्रॉ रेक्टेंगल, जैसे कि यहां पर देखिए कि एक्शन और परफॉर्म ये दोनों क्या है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक्शन परफॉर्म ये क्या है, एक मेथड है, तो ये एक मेथड को स्टार्टिंग लेटर जो है उसका वो लोअर केस में था, लेकिन जो परफॉर्म का पी जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर में है, तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सर अगर उसको लोअर में लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन से ये प्रोग्रामर और हमारे सहूलियत के लिए है, ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एरर आएगा, ऐसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो ये प्रॉपर वे है प्रोग्रामिंग का, जावा में ये प्रॉपर वे है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत रीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है, ये हम आसानी से पढ़ पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं और जो दूसरे प्रोग्रामर है वो भी उसे पढ़ पाते हैं। अच्छा, हम जावा का कोड क्यों करते हैं, हम जो है ये क्यों सीखते हैं जावा, कि कोई भी प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखते हैं, ताकि हम कोई सॉफ्टवेयर बना सके, कोई एक एप्लीकेशन बना सके, ठीक है। अब जैसे क्या आप लोग अभी किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे या किसी भी स्मॉल स्केल या मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे या किसी एप्लीकेशन पे आपको काम दिया जाएगा, तो एक इंडिविजुअल पर्सन उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता, ओके, तो क्या होता है, वहाँ पे टीम होती है। तो अगर टीम में काम करना है आपको, तो मान लीजिए कि अगर आपने एक्स वाई जेड नाम का एक क्लास लिया, वहाँ पे ए बी सी नाम की एक मेथड ली और एक पी नाम का एक वेरिएबल लिया, तो कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई जेड एक क्लास है, ए बी सी एक मेथड है और पी नाम का एक वेरिएबल है। मान लीजिए कि आप प्रशांत जी और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब आपने जो कोड किया है तो उस कोड को प्रशांत जी एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रशांत जी को कैसे पता चलेगा ये कि एक्स वाई जेड नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ए बी सी नाम की एक मेथड है और ए बी सी नाम के मेथड के अंदर एक पी नाम का एक वेरिएबल है। अगर हम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा किसी दूसरे प्रोग्रामर को या आपको भी खुद को समझने में। मान लीजिए आपने ये कोड तो लिख लिया, अभी के लिए ये रन कर गया, ठीक है, अभी एक दो साल बाद आपको फिर से इस प्रोजेक्ट पे असाइन किया गया और कहा गया कि हाँ इसको हमें अपडेट करना है, रिन्यू करना है या कुछ अपग्रेड करना है इस प्रोजेक्ट को, फिर आप देख रहे हैं कि अरे यार एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी क्या है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर आपको कोड देखना पड़ेगा, कोड में समझना पड़ेगा, फिर वो सारी समस्या हो जाएगी कि आपका समय जाएगा उसमें, क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि आपने इसके लिए प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो नहीं किए हैं। प्रॉपर सिस्टमेटिक तो खुद को भी समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो मेथड्स क्लियर हुए? ठीक है, तो वेरिएबल्स देखते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल की शुरुआत की जो केस होती है वो भी लोअर केस से ही शुरू करते हैं, जो शुरुआती जो लेटर्स होते हैं वो भी लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, और ये जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करते, जैसे कि एम्परसेंट हुआ, डॉलर हुआ, इस तरीके से हमारा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मेथड्स में कि एक्शन परफॉर्म जैसे या ड्रॉ रेक्टेंगल जैसे, वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल्स में भी इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अवॉइड कीजिए कि इस तरीके से, जैसे कि ये हुआ इंटीजर एक्स, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स का मीनिंग क्या है पता ही नहीं चलेगा, अगर हम इस कोड को बाद में देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो प्रॉपर नाम दीजिए हमारे जो भी वेरिएबल है, मेथड है, क्लास है, इन सब को एक प्रॉपर नाम दीजिए कि हमें अगर हम 2 साल बाद 3 साल बाद भी हमारा कोड देखें तो हमें तुरंत पता चल जाए कि हमने ये कोड किस लिए लिखा था, ठीक है। पैकेज के लिए भी वैसा ही कि पैकेज का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, सॉरी पैकेज जो होता है वो हमेशा लोअर केस में ही रहता है, स्टार्टिंग लेटर नहीं, पैकेज जो होता है वो हमेशा लोअर केस में ही रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पैकेज में मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, और पैकेज में क्या होता है मल्टीपल क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्लास एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे कि जावा नाम का एक पैकेज है, जावा एक हमारा पैकेज है, उसके अंदर यूटिल पैकेज है, और यूटिल पैकेज को हम पूरी तरीके से हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम पैकेजेस को देखेंगे, पैकेजेस के लिए एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे इसके लिए, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि पैकेजेस क्या होता है। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस, एक बहुत सारे क्लासेस का एक कलेक्शन होता है पैकेज, ओके। और उस पैकेज को डिक्लेयर करते हैं लोअर केस में हमेशा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का क्या है कि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपर केस में डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए कि वोटर चेक कर रहे हैं कि क्या ये वोटिंग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। जो पर्सन है उसका एज क्या है, 18 से ज़्यादा होना चाहिए वोटिंग के लिए, तो वो पर्सन, हाँ तो वो पर्सन वोटिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमने क्या कहा, मिनिमम एज कितना चाहिए, 18, ठीक है। अगर हमने ऐसा कहा है तो मिनिमम एज ये क्या हुआ हमारा, एक फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया ये। अब हम जब भी कहेंगे कि हाँ आप मिनिमम एज से ज़्यादा है, आप मिनिमम एज से कम है, तो मिनिमम एज माने कितना हुआ, 18, ठीक है। तो ये क्या हुए, कॉन्स्टेंट्स हुए, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे ऑल ओवर द प्रोग्राम में ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को उन अपर केस में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो है हमने यहाँ पे देखा कि जावा के जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कैमल केस में इंडिकेट किए जा सकते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब हमने क्या देखा कि क्या होता है, लोअर केस होता है, इंग्लिश में कितने केसेस है, लोअर केस और एक अपर केस। लोअर केस माने क्या हुआ कि सारे लेटर हमारे स्मॉल लेटर्स में आते हैं, अपर केस माने क्या हुआ, अपर केस जैसे कि ये हुए मिनिमम एज कैपिटल लेटर्स में आ गए, लोअर केस माने ये हो गए पैकेजेस के स्मॉल लेटर सारे, ठीक है। लेकिन ये कैमल लेटर, कैमल केस क्या है कि देखिए, एक लेटर कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो ये कैसे हुआ, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, मिक्स है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इस तरीके से ये कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन है कैमल केस, ठीक है। तो कैमल केस के जो सिंटैक्स है वो सभी जगह फॉलो करते हैं, जैसे कि क्लास, इंटरफेस, मेथड, वेरिएबल, ये सभी जगह हम लोग कैमल केस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन क्लियर है,
ठीक है ओके। तो हम लोगों ने देखा था अच्छा हाँ आप लोग अभी नोट पैड का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, अभी फिलहाल के लिए आप प्रोग्रामिंग करने के लिए नोट पैड का यूज़ कर रहे थे। फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जावा सी कमांड के थ्रू आपको कंपाइल करना होता था, फिर हम लोग उसे जावा कमांड के थ्रू से एग्जीक्यूट भी करते थे, रन भी करते थे। लेकिन अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, नोट पैड की जगह हम लोग अभी टेक्स्ट पैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पैड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम टेक्स्ट पैड में इसे हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो जाइए आपके टाइप कीजिए टेक्स्ट पैड, तो ये देखिए ये आ जाता है टेक्स्ट पैड यहाँ पर, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से टेक्स्ट पैड ओपन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था, दो प्रोग्राम देखे हैं हमने, ठीक है। तो दो प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम हम लोग अभी देखेंगे, उन्हीं दो प्रोग्राम को चेक करते हैं। आप बताइए कौन सा करेंगे, पब्लिक ऑडियो वन या पॉजिटिव नेगेटिव। बता दीजिए, लॉजिक नहीं पूछूंगा, ऑड इवन, ठीक है ऑड इवन, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को पहले, ठीक है। जो हमारे क्लास का नाम होगा उसी नाम से हमने यहाँ पर सेव करना है। देखिए फाइल नेम क्या है हमारा, ऑड इवन, जो कि यहाँ पे है ऑड इवन। सेव एज टाइप कौन सा है, किस टाइप की फाइल रहेगी ये सेव करते वक्त, डॉट जावा, ठीक है। तो इसे हम सेव करेंगे। देखिए जैसे ही हमने इसे सेव किया, जैसे ही हमने इसे सेव किया, ये जो पब्लिक है ये क्लास है, इनका कलर बदल गया, दिख रहा है आपको जी, ठीक है। तो हमने ये जो जब ये कलर बदल रहे हैं इनके, तो क्या है ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, ठीक है। इनका एक स्पेशल मीनिंग है प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का, किस तरीके से है ये हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर हमने लिखा यहाँ पर क्लास को, यहाँ शुरू हुआ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर हमने जितना भी देखा है अभी, तो वो सब क्या है, जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने देखी है वो क्या देखते हैं, क्या सीखा है हमने कि हमारे प्रोग्राम जावा प्रोग्राम में सब कुछ जो होता है वो हम मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। एक क्लास है उसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे और उसके अंदर हम हमारी प्रोग्रामिंग करेंगे फिलहाल के लिए। तो मेन मेथड का सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये इस तरीके से हमने लिखा। अब हमारा कोड क्या कहता है कि ऑड और इवन हम इसे चेक करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर नाम, अब चलिए देखिए यहाँ पे एक्स नाम ले लेते हैं 5। हमारा लॉजिक क्या रहेगा, इफ नाम मॉड ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0 है तो क्या कहेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द गिवन
क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? सही है ये। यस क्या ये कोड सही है? प्रशांत जी सर। तो ये भी तो हम लिख सकते हैं फिर कि अगर ये इवन नहीं होगा तो द गिवन नंबर इज ऑड। अगर ये नहीं है तो? हाँ 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 वो भी देखेंगे हम। वैसे सर अभी सही है। अभी इतना जो कोड लिखा है क्या ये सही है? यस सर। ठीक है प्रशांत जी, जी सही है? नो सर। बताइए क्या गलत है इसमें? सर इवन नहीं है तो यहाँ और आएगा ये। जी। अच्छा कौन सा नंबर इवन होता है और कौन सा ऑड होता है? सर 2 का मल्टीपल हो नहीं इवन रुकिए होता है। रुकिए 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 रुकिए, ये है ऐसा 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? हम लोग 5 mod of 2 देख रहे हैं, हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं देख रहे। दोनों का आंसर बताइए आप। इसका आंसर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2? सर वो उसका रिमाइंडर 1 आएगा किसका? 5 डिवाइडेड बाय 2 जी। मतलब आंसर 4 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, और 5 mod of 2 का, उसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर 1 आएगा और आंसर 2 2 जा 4। तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए ना, 4 नहीं आना चाहिए ना ये? तो दोनों का तो आंसर सेम आ रहा है आपके हिसाब से, फिर ये कैसे पॉसिबल है? 2 अगर आंसर है और रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 आंसर है और रिमाइंडर 1 है, तो फिर इस मॉड्यूलस ऑपरेटर में और डिवीजन ऑपरेटर में डिफरेंस क्या हुआ? हम बताएं तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी नेटवर्क हमारा कट गया था। ठीक है फिर से यहाँ बताइए आप कि ये जो है 5 डिवाइडेड बाय 2 और 5 mod of 2, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? दोनों का आंसर बताइए और रिमाइंडर भी बताइए। सर आंसर 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा किसका? दोनों का दोनों का जी। आंसर 2 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है रितिका जी आप बता पाएंगी? यस सर। जी बताइए। सर पहले वाले का है सर 5 mod 2, इट जी। मीन्स जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोग लिखते हैं, तो उसका आंसर होगा 1। ठीक है इसका आंसर आएगा 1। और 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4 होता है, तो सर इसका 2 होगा ओके फाइव ठीक है डिवाइडेड बाय 2। जी प्रशांत जी ये आंसर है हमारा। अब देखिए क्या होता है, ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हुआ 5 2 जा 4, 5 2 4, तो ये क्या हुआ, ये माइनस हुआ, तो इनमें से बचा क्या,
एक, ठीक है, ये एक बचा यहाँ पर। अगर हम डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्लियर हुआ? मॉड्यूलस में और डिवीजन में डिफरेंस क्लियर हुआ? मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर बताता है, जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर रहेगा, लेकिन डिवीजन में एक्चुअल आंसर ये रहेगा हमारा। क्लियर हुआ ये? प्रशांत जी, यस सर। ठीक है, तो हाँ, अरे तो ये नंबर क्या आएगा फिर? 5 mod of 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? इवन इवन आएगा, ठीक है। अब हम टेक्स्ट पैड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वही जावा सी हमारे क्लास का नाम देने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और जो हमारे फंक्शंस के नीचे जो नंबर है, फंक्शन की के नीचे जो नंबर है 1, 2, 9, 0, ये जितने नंबर है उनमें से, उसमें से 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और 1 प्रेस करेंगे, तो हमारा जो कोड है ये कंपाइल हो जाएगा। देखिए ये हमारा कोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा ये जो कोड है ये प्रॉपरली कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करना है तो वैसे ही कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और 2 प्रेस करेंगे, तो ये हमारा कोड रन भी हो गया। अब देखिए क्या ये हमारा जो नंबर है ये इवन था क्या? नहीं, इवन इवन नहीं था, इसलिए कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसे चाहते हैं कि ये ऑड है तो भी प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, इफ नम क्या होगी हमारी कंडीशन, मॉड ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कंपाइल किया, इसे कंट्रोल 1 से कंपाइल किया, फिर से कंट्रोल 2 से रन किया, देखिए आ गया हमारा द गिवन नंबर इज ऑड। ओके, प्रोग्राम में कंफ्यूजन है? नो सर। ओके प्रशांत जी, नो सर। ठीक है, हाँ हम लोग अभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स को नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू बोलते हैं इसे, ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं, ऐसे होता है? नहीं, फैक्टोरियल का भी हम प्रोग्राम, तो हम जी प्रोग्राम लिख रहे थे तो फिर हमको ये तो पता था कि नॉट, ये हमको पता था ऐसे करना है, लेकिन नॉट इक्वल टू साइन वो समझ में नहीं आ रहा था क्या लगाया, तो फिर हम पता किए तो फिर अच्छा कोड में यूज़ किया। ठीक है, नहीं आपका कोड वैसे पार्शियली सही था, मैंने बताया भी आपको कि आपका कोड जो है वो पार्शियली सही है, आपका लॉजिक परफेक्ट था, गुड। एरर से हाँ लिख जी, हाँ एक अच्छा पॉइंट याद दिलाया फिर आपने, फिर हमने देखे थे कि एरर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एरर क्या है? 2 टाइप्स के एरर होते हैं मेनली, जो होते हैं वो 2 टाइप्स के एरर होते हैं, बाकी बहुत सारे उसमें भी आएंगे फिर, लेकिन मुख्य जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंटैक्टिकल एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। ओके, तो सिंटैक्टिकल एरर मींस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सिंटैक्स कुछ गलत हो गया, ये आपने कुछ गलत दे दिया, आपने ऐसे कुछ रह गया आपको कंप्लीट करना,
तो ये जो सारा एरर, ये जो सारी एरर्स है ये क्या होंगी, ये सिंटैक्टिकल एरर्स होंगी। देखिए यहाँ पे वो बता देगा हमें कि ये एनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है, एनक्लोज नहीं हुआ है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पे वो यहाँ पे बता रहा है, देखिए एरर क्या है, सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, कितना डिटेल में एरर देता है ये देखिए। ऑड इवन प्रोग्राम, ऑड इवन डॉट जावा प्रोग्राम में लाइन नंबर 12 पर एरर है, क्या एरर है कि ये जो सेमी कोलन है ये एक्सपेक्टेड है। ओके लाइन नंबर 12 ये देखिए, ये लाइन नंबर 12 पे सेमी कोलन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, किस जगह एक्सपेक्टेड है ये भी दिखा रहा है, ये देखिए इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के जरिए ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पर सेमी कोलन की ज़रूरत है। ओके तो अगर हमारे प्रोग्राम में एरर आती है तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ते आना चाहिए एरर। ठीक है, ये हमने कंपाइल किया, इसे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके अब हम देखते हैं कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, इस अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, हमने क्या नेमिंग कन्वेंशंस कैसे फॉलो करते हैं, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो नेमिंग, हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जो वेरिएबल का नाम होता है तो शुरुआती अक्षर लोअर केस में होना चाहिए, हमने देखा था नेमिंग कन्वेंशंस में, ठीक है। हमने यस सर, हाँ, अगर हम उसको पूरा जो वेरिएबल है हमारा, हम कंप्लीटली उसे कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं तो क्या यह हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा? हो गया, कोई भी एरर नहीं आया, सिंटेक्टिकली ये कोई रॉन्ग नहीं है, रन भी प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। यस सर, तो नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करेंगे तो कोड हमें रीड करने में आसानी होगी, ठीक है। ये हमारे लिए है जो, या फिर हम किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए, कि जिससे हमारा कोड पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और यही सही तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर काम करना है कॉरपोरेट में कहीं किसी कंपनीज में वगैरह, तो आप टीम में काम करेंगे। अगर टीम में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से कोड लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा ना, एक प्रॉपर वे होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। तो यस उसी तरीके से अगर लिखेंगे सभी लोग तो सभी को पता होगा कि हाँ कैसे कोड लिखा जाता है, यहाँ पर ये मेथड है, यहाँ पर ये क्लास है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, नाम भी अगर प्रॉपर देंगे आप, अगर हम ऑड इवन प्रो, यहाँ पे जो क्लास है ऑड इवन, यहाँ पे हमने नाम दिया ऑड इवन, क्लास का नाम दिया ऑड इवन, और यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर चेक कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, जब हम कोड देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप अगर हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है, कि हाँ ये जो क्लास है ये क्या चेक करता है, ऑड इवन चेक करता है, ठीक है। यस सर, प्रशांत जी क्लियर है ये? यस सर, ओके आज रुकते हैं फिर यहीं। यस।